नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स सीख लिए थे, बहुत सारे टूल्स इन द सेंस जो भी हमारे यहाँ पे बेसिकली टूल्स आते हैं, जो बहुत ही मेन और बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, वो सारे हमने बेसिकली सीख चुके थे। और उससे हमने कुछ इस टाइप के क्लाउड बनाए थे, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इन टूल से इसके ब्लेंड करके कई तरीके के बादल निकाले एक ही बादल से, और उसके बाद हमने ग्रेडियंट भी, कस्टम ग्रेडियंट्स जो नए अभी आए हैं वो सब सीखे पुरानी वीडियोज में। अब हम आते हैं कुछ एडवांस टूल्स पे। जो एडवांस टूल्स हैं वो बड़े ही अच्छे हैं इलस्ट्रेटर के, जिनको देखने के बाद लिटरली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टूल्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं क्रिएटिव इलस्ट्रेशन बनाने के लिए। अभी तो हमने सिंपल से शेप्स वगैरह लेके सिर्फ कुछ भी बना दिया है, लेकिन जब हमें रियल में कुछ अच्छा बनाना होता है तो हम कई सारे स्टेप्स लेते हैं। तो उसका एक ड्राइंग होती है पहले कागज पे, उसके बाद हम इस पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत काम आते हैं ऐसे टूल्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर आप इसको कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं कोई ड्राइंग तो नहीं ले रहा, लेकिन हाँ मैं सारे टूल्स आपको सिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अभी बेसिक इतना हमारा सब कुछ क्रिएटेड है, क्लाउड्स वगैरह। अब देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं ना, ये देखिए ड्राइंग मोड। अब हमने ये कलर्स पैटर्न्स तो देख लिए थे कि पहला कलर ये है, फिर दूसरा ये है, फिर यहाँ कलर के यहाँ पे जो लास्ट कलर हमारे सिलेक्टेड होते हैं वो यहाँ पे कलर्स आते रहते हैं। ओके, तो हम इसको ये देख सकते हैं, इसमें ये, फिर इसमें दूसरा कलर, ये वट एवर जो भी है। तो अभी हम क्या चीज देखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे ये वाला टूल। अब ये जो टूल है इसको हम ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ बिहाइंड एंड ड्रॉ इनसाइड। अब ये कई सारे टूल्स हैं, मतलब है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बेसिकली मैंने ये वाला जो बादल है ना इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सपोज कीजिए, या फिर इस वाले को अभी हम डिलीट साइड कर देते हैं। हमने इस वाले बादल को सिलेक्ट किया है। अब मैं कोई भी अभी डिजाइन बेसिकली बनाता हूँ तो वो हमारे इसके ऊपर बनता है। अब क्या होता है कि हम जब कुछ क्रिएटिव अलग बनाते हैं ना, तो हमें चाहिए कि भाई वो जो पीछे वाला बादल है ना वो हमेशा ऊपर रहे, उसके बाद मेरी ड्राइंग चलती रहे, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा, व्हाटएवर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अभी मैं कंट्रोल जेड करके इस हिस्से को डिलीट कर देता हूँ, देखिए ओके, या फिर मैं सिंपल तरीके से डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ ड्रॉइंग मोड में ड्रॉ बिहाइंड करूंगा, बट इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद ड्रॉ बिहाइंड कीजिए। अब क्या होता है, अब मैं कोई भी शेप लेता हूँ, उसको बनाता हूँ, तो मेरा बादल वाला जो है ना वो ऊपर ही रहेगा। अब मैं इस क्लाउड वाले को पहले रेड वेड कुछ कलर भर देता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि हाँ ये डिफरेंट है, वट एवर इट इज। तो मैंने एक कलर भर दिया ये वाला, ओके ये कलर कुछ ज्यादा ही शार्प है, वॉयलेट कलर भर दिया मैंने, ओके। तो अब देखिए हम कुछ भी बनाते हैं तो अब यहाँ पे वो उसके पीछे जाएगा, कुछ आगे नहीं जा रहा कि अभी आप देख सकते हैं, समझ आ रहा होगा आपको। तो ये है। अब क्या होता है जब हम इस चीज को करते हैं तो इससे हमारा जो मेन ड्राइंग है वो ऊपर ही रहता है। अब इसके साथ कुछ और भी चीजें आती हैं, अब वो क्या होंगी, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं और भी बताता हूँ। देखिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड। अब मैं जब इस पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होता है, तो जैसे ही मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा उसके बाद मैं कोई भी शेप बनाऊंगा तो वो इसके अंदर बनेगी अपने आप। अब आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं इसको थोड़ा कलरफिल करता हूँ, देखिए वो मेरे उस क्लाउड के अंदर जा रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे। तो आप इस चीज को आराम से समझ पाएंगे कि आखिर ये किस बेस पे हो रहा है कैसे। तो इसके लिए हमने इस टूल को लिया है ड्रॉ इनसाइड को। अब आप ड्रॉ नॉर्मल बाद में कर देंगे तो वो वाला तो वापस नहीं होगा आपका, ये इसी टाइप का रह जाएगा। बट अब हम इसके ऊपर कुछ नया बनाएंगे तो नॉर्मल तरीके से ऊपर ही बनेगा, जैसे हमारा बनना चाहिए। तो ये था हमारा बेसिक सा टूल एडवांस यूज में जो आता है। इसके बाद हमारे पास ये खत्म होने के बाद ये आता है स्क्रीन मोड। अब हमने क्या किया, हमने कोई अच्छी सी डिजाइन बना ली है, अब इसके बाद हमारे को उसको दिखाना है किसी को या फिर कुछ भी, हमें खुद ही देखना है। तो हम क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कीजिए। अब आप जैसे ही फुल स्क्रीन करेंगे ये नीचे का मैं वो जो होता है टास्क बार वो गायब हो जाएगा, फिर आप इसको फुल स्क्रीन मोड कर देंगे तो सब कुछ एकदम तरीके से बड़ा हो जाएगा और कोई फालतू चीज नहीं आएगी। बट अब हम स्किप करते हैं और उसके बाद इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करते हैं तो ये पूरा ही बड़ा हो जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, पूरा ब्लैक होगा और बस हमारी जो स्क्रीन थी मेन वो ही स्क्रीन दिखेगी जो हमने एक्चुअली में क्रिएट किया होगा वो। तो एस्केप का बटन दबाएंगे आप, ओके आप यहाँ से इसको नहीं हटा सकते, आपको एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा, उससे ही अपने आप हट जाएगा एस्केप, जो सबसे राइट के लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे होता है तो उस वाले को एस्केप कहते हैं कीबोर्ड में, तो उससे आपका ये हट जाएगा। या फिर आप शिफ्ट एफ को देख लीजिएगा, आप शिफ्ट एफ दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन पे दोबारा से दबाएंगे तो नहीं हट रहा, लेकिन हाँ उसको एस्केप करेंगे। या फिर आप F प्रेस कीजिए, फिर से आप F प्रेस कीजिए, फिर से आप F प्रेस कीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप इसके फ्रंट स्क्रीन मोड को देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम ऊपर से लेके आते हैं। सबसे पहले आपको ये मैजिक बैंड टूल के बारे में पता होना चाहिए, ये एड एंकर पॉइंट का, डिलीट एंकर पॉइंट। तो अब इसमें क्या होता है, ये है शेप। अब मैजिक बैंड टूल में क्या होता है, ये सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता है पूरा,
अब आपने 10 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं इस तरीके से, तो इसका कलर आप कुछ डिफरेंट भर दो और वगैरह वगैरह जो भी है। अब हम इसमें मैजिक बैंड टूल लेंगे, तो अब आपको इन टूल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, या तो आप कीबोर्ड के से वाई प्रेस कर दीजिए सिंपल, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से ये एक ऑप्शन है। अब देखिए दोनों में कलर रेड है, तो इसने दोनों एक को पक कर लिया है। ओके, तो मतलब सिमिलर कलर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको क्लिक कर लेगा। अभी दो है ना ये यहाँ पे, अब हम इसको अगर पिक कर देते हैं बाइक क्लिक किया, तो फिर ये दोनों पिक करके देगा हमें। ये देखिए सिमिलर कलर्स को पिक करके दे देता है। लेकिन अब हम इस चीज को यूज कैसे कर सकते हैं, अब ऐसे तो वो बार बार चले जाते हैं कि कहाँ गया, तो आप यहाँ पे एडिट टूल बार में आएंगे, तो फिर यहाँ पे मैजिक बैंड टूल को होल्ड करते हुए खींच के लाइए और यहाँ यूज पुट कर दीजिए। जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ से यूज कीजिए और इसके बाद अपना काम कीजिए, और उसके बाद यहाँ से उसको चीज को ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, कुछ भी करना है उसके साथ कीजिए और इसके बाद छोड़ दीजिए, वैसे वो यहीं पे सेट हो जाएगा। अब अगर आपको इसको नहीं चाहिए कि मेरी जगह घेर रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के वापस यहीं पे डाल दो, तो वापस चले जाएगा। मतलब इसकी हमें मैक्सिममली जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। तो इसका यही यूज है। अब इसी के साथ क्या होता है कि हमारे पास एक लोसो टूल मिलता है हमें यहाँ पे। अब हम आते हैं ना इस वाले के बारे में, मैंने ज्यादा उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसके बहुत सारे यूज हैं। तो अब मैं ग्रुप सिलेक्शन देखता हूँ। तो अभी ये देखिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे किया, अब ग्रुप सिलेक्शन करूँगा, ऐसे तो मेरे को नहीं समझ आएगा, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सारे हमारे को एक साथ पूरे उसका दे देता है। लेकिन अभी हम लोसो टूल देखते हैं, तो लोसो टूल में क्या होता है, अब मान लो मैं इतने हिस्से के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं उसके को डिलीट कर दूँ या कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। अब आप चाहें तो यहाँ पर से एक पेन टूल लेकर के इस वाले को माइनस पे एक बार क्लिक होगा, उसके बाद ये जो है इससे जुड़ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक करेंगे तो ये जुड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। और इसके बाद क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा बीच में जोड़ दें इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा आता है पेन टूल के अंदर ही एंकर पॉइंट टूल, तो इस पे पिक करके हम कोई स्टाइलिंग इसकी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि आखिर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी आप जितनी बार इसको खुद करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब इसके बाद ही क्या होता है, ये हमने मैजिक बैंड टूल सीख लिया, उसके बाद उसका लोसो टूल भी सीख लिया और ये भी बता दिया मैंने। अब इसके बाद और क्या होता है इसमें, अब इसमें ऐड एंकर पॉइंट होता है, तो आप इसको लेंगे तो ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से ला करके रख सकते हैं। इसी का अगर ग्रुप है आपका ये दूसरा, तो आप इसको यहाँ पे इसी के ऊपर डाल दीजिए। तो आप जैसे इसको करेंगे तो अंदर इसके दो मिलते हैं। अब मैं ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से मैं एक एंकर पॉइंट जो है इसी ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ एक एक्स्ट्रा। और उसके बाद अगर मेरे को इसी में से कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना, मान लो ये वाला करना है, तो मैं डिलीट कर दूंगा इस तरीके से, तो वो पॉइंट्स जो है इसके डिलीट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इसके ये भी फायदे हैं। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे को अभी इनकी जरूरत नहीं है। अभी ये वाला जो टूल है मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ आता है यहाँ पे कई सारे टूल, ARC टूल। ओके, तो अब ये क्या है, अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ही पुट करता हूँ। तो अब आप देखिए स्प्रिंग टूल भी है, मैं इसी में पुट कर लेता हूँ सारे के सारे जो भी हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और इसके बाद पॉलीगन टूल, ये सारे एक साथ पुट कर दीजिए। अब ये राउंड टूल जो है यहाँ पे हमारा बेसिकली नहीं आता था, तो हम इसको डाल देते हैं। ओके, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ज़्यादा यूज नहीं होता उसका, इसीलिए हमने नहीं बताया था अभी, जस्ट स्टार्टिंग में नहीं बताया था। ओके, अब मैंने यहाँ पर से पहले टूल को लिया। अब ये क्या करता है, हमारे को इस टाइप की स्ट्रोक बना के देता है। उसके बाद हम यहाँ पर से एक दूसरी स्ट्रोक भी ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये इस टाइप की हमारी शेप बनाने के काम आता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे। ऑब्जेक्ट में आने के बाद, पाथ में आने के बाद इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो ये जो दोनों हैं ये एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका यूज भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब ऐसे ही करके हमारे पास स्प्रिंग टूल है, तो अब इसका क्या यूज है, स्पायरल टूल है एक्चुअली में ये। अब इसका यूज बताने के लिए मेरे को कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी, इनको हटा देता हूँ मैं, अनयूजलेस है अभी ये मेरे लिए, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये स्पायरल टूल है हमारा, ये बेसिक। तो अब हम इससे क्या करेंगे, एक स्पायरल हमारा बन जाता है। अब ऐसे कहने को तो ये एक स्पायरल है बेसिक सा, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसकी स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब क्या होता है कि मेरे को इसकी अलग ही स्टाइल कुछ नया बनाना है, तो अब यहाँ पे आपको मैंने इस विथ टूल के बारे में बताया था, तो अब मैं इससे क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसका एक जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और यहाँ से इसकी पॉइंट्स को कम कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का आपको शेप दे देगा। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये इस तरीके से इसको हम जोड़ देते हैं। ओके, तो अब आप देखिए कुछ नया जो है स्पायरल टूल से आप बना सकते हैं, ये कुछ आपने देख रखे होंगे। अब आप इसकी जो वो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा, क्योंकि अभी इनके बारे में मुझे डिटेल्स में बताना ही है,
जिससे हम कुछ इससे न्यू बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको ज़्यादा इन सबको समझ आएगा। अब ऐसे ही इसके अंदर हम आते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब आप जब इसको लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा बेसिकली एक ग्रिड बन जाती है इस तरीके से। अब क्या होता है कि हम ऐसे तो इसको नहीं समझ सकते कि क्या है ये क्या नहीं। अब आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोजिंगली मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मेरे को एक ग्रिड मिल जाएगा कि हाँ मेरे को इस ग्रिड के हिसाब से इतने कॉलम इसको देने हैं, इतने कॉलम मेरे को, दो कॉलम इसको देने हैं भाई, और ये जो फर्स्ट वाला है इसको मेरे को एक कॉलम देके बनाना है। अब ये सिमिलर साइज की हो गए, अब मैं पीछे वाले को डिलीट कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो शेप है वो बन के आ गई। अब आप इसमें कोई भी यूज़ कीजिए, आप इसमें कोई कलर भर दीजिए या फिर इनको कुछ अलग ही कुछ भी बना सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से। तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक हम हटा देंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, इसमें एक्चुअली में स्ट्रोक, तो स्ट्रोक हटा दीजिए तो आपको समझ आएगा कि आखिर ये क्या है। तो ऐसे करके आप कुछ भी इससे बना सकते हैं, ये बहुत ही काम आता है। अब इसके बाद आता है पॉलर ग्रेड टूल। अब ये एक्चुअली में सर्कल के हिसाब से हमारा काम करता है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको लेता हूँ। अब इसके बाद मैं जैसे ही इसको यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, तो अभी बेसिकली तो ये तो एक सर्कल ही है जो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक देते हैं। अब इसको आप राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब आपको कोई मतलब कि पर्टिकुलर चाहिए, सपोजिंगली इस तरीके का आइए, तो इसमें कई सारे सर्कल आपके बने हुए आ गए एक वेरिएशन में, मतलब एक साइज में। अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हाँ, अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं डिटेल्स दे रहा, इसीलिए अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप अनग्रुप कीजिए दोबारा से और इस वाले में आप कोई कलर भर दीजिए ऊपर, इस वाले के अंदर हम कोई दूसरा कलर भर देते हैं ऐसे, तो आप इस तरीके से कुछ नया इसमें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सपोजिंगली मेरे को क्या था कि भाई ये जो यहाँ पे आता है ना इस तरीके से, तो मेरे को सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, बाकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उन हिस्सों की, मेरे को इतना हिस्सा जो स्लाइस है मेरे को वो चाहिए, तो आप इस वाले एरिया को डिलीट कर दीजिए। ओके, अब ये रह जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था शेप बिल्डर टूल, तो आप इसको जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए वो यहाँ से हट गया, ये भी हटा सकते हैं हम, ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, और इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए। लेकिन अभी ये जो है ना, यहाँ से हम इनको डिलीट कर दे रहे हैं फालतू वाले को जो भी है। तो इस तरीके से आप इस जो स्लाइस है वो आप बना सकते हैं आसानी से, और ये हर एक स्लाइस जो है आपकी अलग अलग बन के आ गए। तो इस तरीके से आप इस पॉलीगन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलर ग्रेड टूल का, और इससे आप कुछ नया सर्कल में अगर आपको कुछ बनाना है तो भी ये काम आता है, तो इसीलिए भी ज़रूरी है। अब इसके साथ ही हम आते हैं इसी के अंदर। अब क्या होता है कि हमने मैजिक बैंड सीख लिया, ये आ गया शेप टूल है, ये एक आ रहा है फ्लेयर टूल। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, मैं फ्लेयर टूल के बारे में बताता हूँ। तो आप जैसे ही आप फ्लेयर टूल देखते हैं तो ये देखिए एक जो है ना लेंस फ्लेयर होते हैं, तो उस टाइप का आपको बना के दे देता है ये। इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा शाइनिंग्स वगैरह के लिए ज़्यादा काम आता है, मतलब आपको किसी भी चीज़ पे शाइनिंग देनी है, जैसे हमने एक बॉक्स बनाया, अब इसके ऊपर मेरे को कोई शाइनिंग देनी है, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा और इसको मैं टॉप करता हूँ अरेंज टू फ्रंट यहाँ से। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे एक अलग ही रोशनी देके आ रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे, मैं इस पर दूसरा कलर डाल देता हूँ, तो देखिए आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक है तो मैं इसीलिए ज़्यादा इसको नहीं बता रहा, बट आप इससे किसी भी टाइप की शाइनिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, तो अब इसको हम बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए ही आपको बताया था। यहाँ पे आता है ड्रॉ इनसाइड, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फ्लेयर्स को लीजिए और यहाँ पे उसको बना दीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए ये जो है अभी स्टिल बाहर है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ, इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके मेक क्लैपिंग मास्क कर दीजिए, ओके। और ये मे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन हाँ हम इसको बना सकते हैं इस तरीके से, इसको आप इसके ऊपर रखिए, मतलब कि एड टू एक और इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम, और जो हमारा होगा अरेंज टू फ्रंट। अब ये जो है इसके फ्रंट आ रहा है, अब इसके साथ हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और मेक क्लिपिंग मार्क कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये देखिए इस टाइप से बन गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और वो इसके ऊपर भी नहीं आ रहा। और इसके बाद ही इसके अंदर और भी कई सारे टूल्स आते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली हमने यहाँ तक सीख लिया है, हमने बेसिकली यहाँ पे फ्लेयर टूल्स तक सीख चुके हैं हम यहाँ तक। अब हम इसके आगे के टूल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सबका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा काम किया, तो आपको सारे आने चाहिए। जब आप कोई नया डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ये अगर टूल्स आते हैं तो आप बहुत आसानी से अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। इफेक्ट्स भी हैं, अरेंजमेंट्स भी हैं, सब कुछ बताऊंगा इस ट्रेनिंग कोर्स में। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञान निधि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।